एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आप सब मुझे तो जानते ही होंगे। चलिए जानते हैं तो क्या, एक बार फिर से बता देती हूँ, मैं हूँ आराधना फ्रॉम लर्नो अप, एक फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहाँ आप पढ़ सकते हैं मैथ, साइंस, एसएसटी जैसे सब्जेक्ट्स, वो भी बिल्कुल फ्री एट learnohub.com पर। बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 8 के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, और वो भी चैप्टर नंबर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 2-4। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब मेरी क्लास के लिए अपना नोटबुक और पेन लेकर रेडी होंगे और मेरे साथ साथ सॉल्व करेंगे। चलो बच्चों, शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। अब देखिए, ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी पढ़ाया था। क्या है, अगर कोई भी नंबर्स अगर वो एंड होते हैं 2, 3, 7 एंड 8 से, तो डेफिनेटली दे आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, दे आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो देखिए बच्चों, ये हमने पहले भी पढ़ा था। अब इसी को लेते हुए हम देख लेंगे बिना कैलकुलेशन किए हुए कि जो भी नंबर्स हमारे एंड, या ये भी कह सकते हैं यूनिट डिजिट, यानी कि यूनिट प्लेस की जो डिजिट है वो हमारी है 2, 3, 7, 8, तो वो नंबर्स नहीं होते हैं परफेक्ट स्क्वायर। तो यही प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम फटाफट लिख देते हैं। ये होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये एंड हो रहा है हमारा 3 से, तो हम लिख देंगे नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, सेकेंड वन देखते हैं। सेकेंड वन हमारा है, ये किससे एंड हो रहा है, यानी यूनिट प्लेस की डिजिट क्या है, यानी वंस प्लेस की डिजिट 7, डेफिनेटली ये भी नहीं है हमारा परफेक्ट स्क्वायर। देखिए थर्ड देखते हैं, थर्ड में हमारे क्या है, वंस प्लेस डिजिट, या हमारा एंड हो रहा है 8 से, तो ये भी नहीं है हमारा नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब देख लेते हैं 1, ये है, यस दिस इज परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ये तो आपने फटाफट अपनी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए सॉल्व कर लिया। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी हमारी है कि इफ एनी नंबर हैज इन इट्स वंस प्लेस और इन और एंड्स विद 2, 3, 7 एंड 8, डेफिनेटली आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, वो हमारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। एक और चीज़ होती है कि अगर 0 हो, मान लीजिए एंडिंग में 0 हो, तो अगर ऑड नंबर ऑफ जीरोज हैं तो वो नहीं होते हैं परफेक्ट स्क्वायर। अगर इवन नंबर ऑफ जीरोज हैं तो वो हो जाते हैं हमारे परफेक्ट स्क्वायर। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों, शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ 100 एंड 169 बाई द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। अब हमें कौन सा मेथड यूज़ करना है, मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो ये आप जब चैप्टर पढ़ रहे होंगे आपने जरूर पढ़ा होगा। अगर आपको भूल भी गए हैं या कोई बात नहीं, हम इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि हम कैसे करते हैं अपना रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का मेथड। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे जो भी गिवन नंबर्स हैं, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे हमें 100 और 169 दिया गया है, इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं अपने नेचुरल ऑड नंबर्स बिगिनिंग फ्रॉम 1। ऑब्वियसली नेचुरल ऑड नंबर्स की बात कर रहे हैं तो वो कहाँ से स्टार्ट होंगे, 1 से ही होंगे। ठीक है, और हम इनको तब तक सब्ट्रैक करते हैं जब तक कि हमारा सब्ट्रैक्शन का आंसर 0 ना आ जाए। ठीक है, फिर हम काउंट कर लेते हैं कि हमारे कितने स्टेप्स में 0 आया, और वही स्टेप्स, जितने नंबर ऑफ स्टेप्स में हमारा आंसर 0 आया, वही हमें देता है स्क्वायर रूट। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे, हमें देखना है कि हमारे कितने नंबर ऑफ स्टेप्स में जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं नेचुरल ऑड नंबर्स, तो कितने स्टेप्स में हमारा आंसर 0 आया। ये आपने डेफिनेटली चैप्टर में पढ़ा होगा। अब हम करते हैं इसी मेथड को यूज़ करते हुए इन दोनों का स्क्वायर रूट फाइंड करना शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा। तो ठीक है, सबसे पहले हम क्या लेंगे अपना, सबसे पहला ऑड नेचुरल नंबर है हमारा 1, सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आएगा 99, और ये हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे,
जो हमारे फर्स्ट स्टेप से आंसर आया है उसमें से हम करेंगे अपना नेक्स्ट ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट। तो क्या आ गया आंसर 96 और ये है हमारा स्टेप 2। ठीक है, अब करते हैं स्टेप 3। तो स्टेप 3 में हम करेंगे 96 माइनस नेक्स्ट ऑड नंबर, तो नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है 5, तो क्या आ जाएगा हमारा 91। ये हो गया स्टेप 3। अब करते हैं नेक्स्ट 91 माइनस 7, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 84। ये हो गया हमारा फोर्थ स्टेप, राइट। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट वन, यानी कि हमें तब तक करते रहना है जब तक कि हमारा सब्ट्रैक्शन का आंसर जीरो ना आ जाए। कीप ऑन सब्ट्रैक्टिंग ऑड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट में ये आंसर आया हमारे फोर्थ स्टेप में 84 और हमारा नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है 9, तो फटाफट कर दिया, तो क्या होगा, ये होगा हमारा 75, राइट। उसके बाद 75 में से हमने सब्ट्रैक्ट किया 11, तो क्या आ गया हमारा 64 और ये हो गया हमारा सिक्स्थ स्टेप। अब करते हैं नेक्स्ट वन, 64 माइनस नेक्स्ट ऑड नंबर, यानी कि हमने सब्ट्रैक्ट किया 13, 11 के बाद क्या आएगा 13 ही तो आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 51 और ये कौन सा स्टेप है हमारा 7th। और 51 में से हमने सब्ट्रैक्ट किया 15, तो ये आएगा हमारा 36 और ये हमारा स्टेप हो गया 8। 36 में से हमने सब्ट्रैक्ट किया 17, तो क्या आएगा हमारा, हमारा आएगा, ये हो गया हमारा 9th स्टेप। और हमारे 10th स्टेप में जो हमारा 9th स्टेप का आंसर आया है 19, उसमें से हमने जब सब्ट्रैक्ट किया अपना नेक्स्ट ऑड नंबर तो आंसर आ गया 0 और ये हमारा कौन सा स्टेप है, ये है हमारा 10th स्टेप। तो देखिए कितने नंबर ऑफ स्टेप्स में हमको मिला 10, हमको मिला 0 10 स्टेप्स में, तो हमारा स्क्वायर रूट का सिंबल क्या होता है, इस तरह से रखते हैं, ठीक है, और इसका आंसर हो जाएगा 10। यानी कि अगर आप स्क्वायर रूट को हटाएंगे तो इस इधर हो जाता है स्क्वायर, 10 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज 10। यानी क्या मैटर कर रहा है, कितने नंबर ऑफ स्टेप्स में हमारा सब्ट्रैक्शन का आंसर आया 0, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये तो हमने कर लिया अपना फर्स्ट नंबर, हम करते हैं अपना सेकंड नंबर। चलिए बच्चों हम फाइंड करते हैं अपने सेकंड नंबर का स्क्वायर रूट बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। तो चलिए 169 में से सबसे पहले हम सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट नेचुरल ऑड नंबर, तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर 168 और ये हो गया हमारा स्टेप 1, बहुत ही आसान था। अब हम करते हैं नेक्स्ट, जो आंसर आएगा उसमें से हमने सब्ट्रैक्ट किया नेक्स्ट ऑड नंबर, तो क्या आ जाएगा आंसर 165, राइट, और ये हो गया हमारा स्टेप 2। अब 165 माइनस करेंगे हम नेक्स्ट ऑड नंबर, राइट, जो कि हमारा 5, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 और ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 3। अब करेंगे जो ये आंसर आया 160 उसमें से नेक्स्ट ऑड नंबर यानी कि 7, तो आंसर आ जाएगा हमारा 153, राइट, और ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 4। अब हम जाएंगे 153 माइनस 9 करेंगे, ठीक है, आप देखिए जैसे हमने 153 माइनस 9 किया तो क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 4, ठीक है, और यहाँ पर बचा 4 और 1, तो ये हो गया हमारा फिफ्थ स्टेप 144, ठीक है। आप देखिए 144 माइनस हम करेंगे नेक्स्ट ऑड नंबर यानी कि 11, ठीक है, तो क्या आएगा हमारा 133, ठीक है, ये हो गया हमारा नेक्स्ट स्टेप सिक्स्थ स्टेप। तो यहाँ तक तो हमने कर लिया, अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट वन, 133 जो ये हमारा आंसर आया है इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे नेक्स्ट ऑड
नंबर, तो क्या हो जाएगा हमारा 120, और ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 7। ठीक है, आप देखिए नेक्स्ट में हम क्या करेंगे। अब हम नेक्स्ट स्टेप में अपना 120 माइनस कर देंगे नेक्स्ट ऑड नंबर यानी कि 15। ठीक है, और जब हम ये सब ट्रैक करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 105, राइट। और ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 8। आप देखिए 105 माइनस नेक्स्ट ऑड नंबर यानी 15 के बाद हमारा नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होगा, 17। तो क्या आ जाएगा हमारा 88, और ये स्टेप नंबर हो गया हमारा 9। अब 88 माइनस हम कर देंगे अपना नेक्स्ट ऑड नंबर यानी कि 19, तो ये आ जाएगा हमारा 69। ठीक है, और ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 10। और नेक्स्ट में हम करेंगे 69 माइनस 21 यानी कि नेक्स्ट ऑड नंबर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा 48, और ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 11। आप देखिए 48 माइनस नेक्स्ट ऑड नंबर यानी कि 23, तो क्या हो गया, ये हो जाएगा हमारा 25, और ये हो गया स्टेप नंबर 12। और नेक्स्ट में हम कर देंगे 25 माइनस नेक्स्ट ऑड नंबर जो कि हमारा 25 ही, और आंसर आ गया 0। और जैसे ही 0 आएगा हम अपना सब्ट्रैक्शन स्टॉप कर देंगे और काउंट करेंगे कितने नंबर ऑफ स्टेप्स आ गए हमारे, 13, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 169 इज इक्वल टू 13। कितना आसान है, फटाफट हमने फाइंड कर लिया। आपको बस यही ध्यान रखना है कि आपको करना है अपना रिपीटेड सब्ट्रैक्शन किनका, नेचुरल ऑड नंबर्स का, और फिर हमारा जिस स्टेप में आंसर आ जाएगा 0 वो नंबर ऑफ स्टेप्स हम काउंट करते हैं और वही हो जाता है हमारा स्क्वायर रूट। तो आई होप आपको ये दोनों नंबर का स्क्वायर रूट बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन अच्छे से समझ आ गया होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तो कोई आपके लिए नई चीज़ नहीं है, ये आप काफ़ी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, राइट। क्या होता है, हमें प्राइम फैक्टर्स करने होते हैं ऑफ द गिवन नंबर। वो क्या होता है, केवल प्राइम नंबर्स को लेते हुए हमें गिवन नंबर को तब तक डिवाइड करना होता है जब तक कि हमारा क्वेश्चन 1 ना आ जाए। ठीक है, अब हम ये जब करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर बात आई है स्क्वायर रूट, तो आपको पता है कि स्क्वायर क्या होता है, एक नंबर सेम टाइम मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि बहुत इजी सा एग्जांपल ले लेती हूँ, 4, तो 4 इंटू 4 क्या हो जाता है 16, यानी सेम नंबर जो है हमने अगर दो बार मल्टीप्लाई किया तो वो हो गया 16, यानी हम इसको लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर इक्वल टू 16। अब यानी ये नंबर जब हमने दो बार मल्टीप्लाई किया तो हमें 16 आ रहा है। ठीक है, अब स्क्वायर रूट का सिंबल मैंने आपको क्या बताया, ये, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या होगा, ऐसा नंबर होगा जो कि दो बार मल्टीप्लाई हुआ हो सेम, और उसका वन नंबर हमारा हो जाता है स्क्वायर रूट। यानी कि जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं उनका स्क्वायर रूट वही नंबर हो जाता है जिसको हमने मल्टीप्लाई किया है। फॉर एग्जाम्पल 4 क्या है, 2 2 4, तो उसका स्क्वायर रूट क्या हो गया 2। फॉर एग्जांपल 100 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 10। तो ऐसे नंबर्स जो दो दो के पेयर के फॉर्म में मल्टीप्लाई करने पे सेम नंबर से उनका प्रोडक्ट मिलता हो। ठीक है, ये तो होता है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट। अब इसी को हम यूज़ करते हुए ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 729। तो सबसे पहली चीज़ हमें क्या करनी है, क्योंकि हमें दिया गया है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो हमें करने हैं इसके प्राइम फैक्टर्स। तो चलिए करते हैं। अब यहाँ पर हमारी जो डिविजिबिलिटी रूल होता है ना, वो बहुत यूज़फुल होता है। क्यों होता है, क्योंकि वो हमें बता देता है कि गिवन नंबर जो है वो उस प्राइम नंबर से डिविजिबल है या नहीं है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं लूँ 2, तो 2 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि अगर नंबर एंड होता है 0 2 4 6 8 से, तो वही नंबर होता है डिविजिबल बाई 2। तो क्या हमारा नंबर एंड हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है, तो हम डेफिनेटली 2 से इसको डिवाइड करने की कोशिश ही नहीं करेंगे। ठीक है,
अब हम जाते हैं अपने सेकंड नंबर थ्री। थ्री क्या डिविजिबिलिटी क्या कहती है? इफ़ द सम ऑफ द गिवन नंबर, सम ऑफ द डिजिट्स, ठीक है, इफ़ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर इज़ डिविजिबल बाई थ्री, तो वो नंबर डिविजिबल हो जाता है हमारा थ्री से। तो चलिए फटाफट सम कर लेते हैं। 7 + 2 = 9, 9 + 9 = 18, 18 आता है थ्री की टेबल में, यानी 18 जो है वो डिविजिबल है थ्री से। तो डेफिनेटली ये जो गिवन नंबर है वो डिविजिबल होगा हमारे नेक्स्ट प्राइम नंबर थ्री से। तो चलिए डिवाइड कर देते हैं। तो 3 × 2 = 6, अगर आप चाहें तो मैं आपको यहाँ डिवीज़न भी दिखा देती हूँ, और जो कोशियंट आता जाएगा वो हम लिखते जाएंगे नेक्स्ट लाइन में, ठीक है। तो देखिए 3 × 2 = 6 है ना, ये आ गया, 3 × 4 = 12 राइट। और देखिए हमारा डिविजिबिलिटी रूल ने हमारी कैलकुलेशन कितनी आसान कर दी, हमें लेने हैं सिर्फ अपने प्राइम नंबर्स। तो क्या आ गया नेक्स्ट लाइन में, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया 243। आप देखिए ये भी फटाफट देख लेते हैं, डेफिनेटली 2 से नहीं 3 से होगा, नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है 3, तो 3 से ये डेफिनेटली हो रहा है। देखिए 4 + 2 = 6 + 3 = 9, तो ये 3 से हो जाएगा, तो फटाफट हमने कर दिया। अब ये भी हमारा 3 से हो रहा है, तो चलिए इसको भी कर देते हैं, ठीक है। ये भी हमारा 3 से हो रहा है, तो इसको भी हमने कर दिया, ठीक है। और ये भी हमारा 3 से हो गया। तो देखिए सिवाय 3 के हमने कोई और प्राइम नंबर लिया ही नहीं, और अपना पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, ठीक है, बहुत ही आसान था। अब हमें जो ये प्राइम फैक्टर्स मिले हैं वो हम अच्छे से लिख लेते हैं। इसका मतलब क्या है कि जब ये सारे प्राइम नंबर्स को, यानी यहाँ पे तो सारे के सारे 3 हैं, वो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, 729, ठीक है। तो अब हम लिख लेंगे अपने प्राइम फैक्टर्स ऑफ 729, क्या आ गए हमारे 3 × 3, हाउ मैनी टाइम्स देख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो चलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, ये हमने अपने मल्टीप्लाई करके लिख लिया। अब यहाँ तक तो था केवल प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि हमने पहले भी पढ़ा। अब यहाँ पर हमें क्योंकि पूछा गया है स्क्वायर रूट ऑफ 729, तो हम यहाँ पर लगा देंगे 729 का स्क्वायर रूट। अब यहाँ पर जैसे हम लगाएंगे, यहाँ पर भी हम स्क्वायर रूट लगा के यहाँ पर लिख देंगे अपने सारे प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर। ये हो गया एक एक्स्ट्रा स्टेप, ठीक है, जो कि आप यहाँ पर भी कर सकते थे, लेकिन मैं आपको पहली बार पढ़ा रही हूँ तो इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि स्क्वायर क्या देता है, सेम नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी हम पेयर बनाएंगे सेम प्राइम फैक्टर्स के, पेयर मतलब दो दो सेम प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारे परफेक्ट पेयर बन गए 3 के 2, 2, 2। अब इनमें से पिक आउट कर लेंगे हम 1, 1, वो हो जाएगा हमारा स्क्वायर रूट, ठीक है। तो जैसे हम पिक आउट करेंगे हमारा स्क्वायर रूट का साइन हट जाएगा, यानी स्क्वायर था ये 3 × 3 क्या है, 3 स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर जाता है स्क्वायर रूट के साइन से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 729। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको आप मल्टीप्लाई करिए तो क्या आएगा 9, और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 27। तो हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 729 हो गया 27। कैसे, आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 27 यानी कि इसका जब आप स्क्वायर करेंगे, 27 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 729। तो आई होप आपको सारे स्टेप्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे। सबसे पहले हमें प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं, फिर हमें स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए स्क्वायर रूट का साइन लगा देना है, ठीक है। फिर उसके बाद सेम प्राइम फैक्टर्स के पेयर बनाने हैं, जो पेयर्स में बन जाते हैं उनमें से पिक आउट कर लेना है 1, 1, और उनको मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आती है वही हो जाती है हमारी स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट। चलिए बच्चों सेकेंड वन तो बहुत ही आसान है तो मैं नहीं करूंगी, अब हम जाते हैं अपने थर्ड वन पर। तो थर्ड वन हमारा क्या है, 1764। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं ऑफ द गिवन नंबर। तो देखिए मैं कोई और नंबर टच ही नहीं करूंगी, मैं इसको डिवाइड करूंगी 2 से, क्योंकि 2 से डिवाइड करना बहुत ईजी है, राइट। और जो क्वेश्चन आएगा वो यहाँ लिख लूंगी। तो देखिए कितना आसान है, 2 × 8 = 16, क्यों मैंने डिसाइड कर लिया मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगी, पहला प्राइम नंबर हमारा
टू ही है, क्योंकि ये एंड हो रहा है हमारा इवन डिजिट से, यानी कि 0, 2, 4, 6, 8 में से किसी भी नंबर को यहाँ देखते हैं तो वो नंबर डिविजिबल हो जाता है हमारा 2 से, ठीक है। फिर जाएगा 2 8 16 और 2 2 4। आप देखिए मैंने फिर फर्दर 2 ले लिया, आप देखिए ये नहीं होगा हमारा डिविजिबल 2 से, तो हम जाएंगे नेक्स्ट प्राइम नंबर। नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है? 3। तो क्या ये 3 से डिविजिबल है? देख लेते हैं, 4 + 4 = 8 + 1, बिल्कुल। तो हम करेंगे इसको 3 से डिवाइड, तो जाएगा 1 ज़ा, राइट। क्या रिमाइंडर आएगा एक बार आपको करके दिखा देती हूँ, वैसे तो मुझे पता है कि क्या आएगा। ये आएगा हमारा 3 1 ज़ा 3 और ये हो जाएगा 4 ज़ा 12 और ये हो जाएगा 7 ज़ा। चलिए एक बार करके देख लेते हैं, यही आ रहा है कि नहीं। तो देखिए 3 1 ज़ा 3, 4 - 3 1, 14, 3 4 ज़ा 12, राइट 2, ब्रिंग डाउन 1, 3 7 ज़ा 21। तो आ गया ना हमारा वही 147, ठीक है। अब करेंगे अपना, देखिए फिर से फटाफट देख लेते हैं, ये 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 पे गए, 3 से ये डेफिनेटली है कि नहीं है? नहीं, यस ये बिल्कुल है, तो हम ले लेंगे अपना 3। कैसे हमने पता किया? सम ऑफ द डिजिट्स, 4 + 1 = 5, 5 + 7 क्या हो गया हमारा 12, तो ये हो जाएगा 3 4 ज़ा 12 और 3 9 ज़ा 27, राइट। अब करते हैं नेक्स्ट में, तो क्या हो जाएगा हमारा 7, हमें पता ही है 7 7 ज़ा 49, तो हम किसी और नंबर के लिए गए ही नहीं, एंड देन 7 1 ज़ा 7, ओके ये आ गया 7 1 ज़ा 7। अब हमें क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में? सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स को अच्छे से लिख लेना है। तो ये तो था हमारा स्टेप 1, हमने सारे प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लिए। अब स्टेप 2 में हम लिखेंगे अपने जो भी हमारे प्राइम फैक्टर्स आए हैं। तो ये हो गए हमारे 2 × 2 × 3 × 3 × 7 × 7, ठीक है। हमको स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो स्क्वायर रूट का साइन लगा दिया और यहाँ पर भी लगा दिया। अब हमको सेम प्राइम फैक्टर्स के पेयर बनाने हैं, तो ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, यहाँ तो ऑटोमेटिकली हमारे बन गए। अब इन में से हम पिकआउट कर लेंगे 1 1 1, यानी कि मतलब ये क्या है, ये 2 स्क्वायर है, 2 × 2 क्या है 2 स्क्वायर, 3 × 3 क्या है 3 स्क्वायर और 7 × 7 क्या है 7 स्क्वायर, और स्क्वायर रूट का मतलब है इसमें से एक एक को ले लेना, ठीक है। तो अब हमारा हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1764 इज पिकआउट 1 from this, 1 from this, and 1 from this, तो क्या हो गया हमारा स्क्वायर रूट 42, ओके। तो ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। यानी कि आप जब 42 को 2 times मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 42 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 42 का स्क्वायर आएगा हमारा 1764, यानी कि स्क्वायर रूट जब हमने इसको लगाया तो स्क्वायर जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 42। तो आई होप आपको ये वाला पार्ट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों करते हैं अपना फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट क्या है हमारा, तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इसका। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स, तो चलिए कर देते हैं प्राइम फैक्टर्स। तो हमें पता है कि ये नंबर डेफिनेटली डिविजिबल बाई होगा प्राइम फैक्टर यानी प्राइम नंबर 2 से, क्योंकि ये एंड हो रहा है इवन डिजिट से। तो कर देते हैं इसको फटाफट, क्या हो गया ये 2 4 ज़ा 8 and 8 ज़ा। अब हम फर्दर करेंगे फिर से 2 से, तो ये हो गया 1, ये हो गया 0, ये हो गया 2 और ये हो गया 4। अगेन ले लेंगे 2, क्योंकि हमें पता है कंटिन्यूसली एंडिंग डिजिट जो है वो आ रही है इवन नंबर। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1 and 2। फर्दर हम ले लेंगे 2, तो क्या हो जाएगा 256। तो देखिए मैं कोई और नंबर ले ही नहीं रही हूँ, फिर 2 लिया तो क्या आ जाएगा हमारा, फिर ले लिया हमने अपना 2, कंटिन्यूसली डिवाइड करती जा रही हूँ 6 और यहाँ आ गया 4, फिर ले लिया हमने 2 तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 32, फिर हमने लिया तो आ जाएगा हमारा 16, और फिर हम फर्दर 2 लेंगे तो हमारा आ जाएगा 8, राइट, और फिर हम फर्दर 2 लेंगे तो 4 और फिर 2 और फिर 1। देखिए हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा, हमने सिर्फ लिया अपना 2 और पूरा का पूरा हमारा प्राइम फैक्टर्स हो गए सिर्फ 2 से। अब हम लिख लेंगे फटाफट अपने स्टेप 2 में प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। तो चलिए प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं,
द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 4096 कितने हैं, जल्दी से काउंट ले कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 12 टाइम्स लिख लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो मैं यहाँ पर ही लगा देती हूँ क्योंकि ये बहुत सारे टू हैं तो बार बार कौन लिखेगा, और यहाँ पर भी मैं लगा देती हूँ फटाफट स्क्वायर रूट। अब हमें क्या करना है, पेयर बनाने हैं सेम प्राइम फैक्टर्स के, तो लकली हमारा तो यहाँ पे सारे के सारे ही टू हैं तो ये बन गए हमारे टू टू के पेयर, ठीक है। अब इनमें से हम टोटल हमारे 12 टाइम्स टू आए थे जिसमें से हमारे 6 बाहर आ जाएंगे स्क्वायर रूट के लिए, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4096 जो होगा वो इसमें से पिक कर लेंगे, 1 इस पेयर में से, 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 1 और इस पेयर में से 1, तो क्या हो गया 2 × 2 कितने टाइम्स हमें लिखना है, 6 टाइम। अब हम कर देंगे इनका मल्टीप्लिकेशन, तो देखिए 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16। प्लीज़ रिमेंबर दैट कि आपको करना है मल्टीप्लाई, 16 2 ज़ा 32 और 32 2 ज़ा 64, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4096 विल बी 64। कितना आसान था, अगर आपको चेक करना है तो आप चेक भी कर सकते हैं, 64 × 64 करके देख लीजिए, 4 4 ज़ा 16 कैरी 1 256 राइट। नेक्स्ट तो देखिए क्या आ गया, यही आ गया ना, तो देखिए हमारा आंसर है एब्सोल्युटली करेक्ट। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो शुरू करते हैं अपना फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट में हमारा क्या है, फिफ्थ पार्ट का हमारा क्वेश्चन का नंबर है 7744। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, हमको सबसे पहले फाइंड करने हैं अपने प्राइम फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर। तो क्या है हमारा गिवन नंबर, 7744 राइट। अब हमें देखना है कि इसमें एंड डिजिट क्या है, 4, यानी ये डिविजिबल होगा हमारा 2 से, तो चलिए फटाफट इसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो क्या आ जाएगा, 2 3 ज़ा 6 और यहाँ हो जाएगा 2 8 ज़ा 16 2 7 ज़ा 14 एंड 2 2 ज़ा 4। चलिए आपको करके दिखा देते हैं कैसे आया, यहाँ पर 7744 है और उसको हमने 2 से डिवाइड किया, 2 3 ज़ा 6 7 - 6 1 यहाँ आ गया 7, अब हमारा हो जाएगा 2 8 ज़ा 16 और ये हो गया हमारा 1, ब्रिंग डाउन 4, 2 7 ज़ा 14 और फिर ब्रिंग डाउन 4 और ये हो गया 2 2 ज़ा 4, ठीक है। तो ये सभी को समझ में आ गया होगा कि ये कैसे आया, ठीक है। आप देखिए नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, फिर से 2 ले लेंगे, आप देखिए इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 2 1 ज़ा राइट, फिर 2 9 ज़ा 2 3 ज़ा एंड 2 6 ज़ा, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है, अब हम जाएंगे अपने नेक्स्ट स्टेप पर, अगेन फर्दर हमारा ये 2 से ही होगा क्योंकि सारे में हमारी जो है ना एंडिंग डिजिट आ रही है इवन डिजिट, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 9 ज़ा 18 2 6 ज़ा 12 एंड 2 8 ज़ा 16 राइट। अब देखिए नेक्स्ट में हमारा फिर से 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 4 ज़ा 8 राइट, फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2 8 ज़ा 16 एंड अगेन 2 4 ज़ा 8। फर्दर हमारा आ गया 484, अब अगेन हम करेंगे 2 2 ज़ा 4 2 4 ज़ा 8 एंड 2 2 ज़ा 4। फर्दर हमारा 2 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा एंड अगेन हमारा 1। अब ये तो आप काफ़ी टाइम से पढ़ते आ रहेंगे, ये होगा 11 और ये होगा हमारा 1, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमारे प्राइम फैक्टर्स आ गए, अब हम फटाफट इसके सारे प्राइम फैक्टर्स को लिख लेंगे, तो चलिए फटाफट लिखते हैं अपने सारे प्राइम फैक्टर्स। कितने टाइम्स हमारा 2 आया, 1 2 3 4 5 6, तो हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 7744 इज 6 टाइम 2 एंड 2 टाइम्स 11,
अब देखिए फटाफट हम इनका स्क्वायर रूट निकालना है, तो स्क्वायर रूट का साइन लगा दिया राइट, और यहाँ पर भी स्क्वायर रूट का साइन लग जाएगा ठीक है, 11 × 11। अब हमें पेयर बना लेने हैं सेम प्राइम फैक्टर्स के नंबर के ठीक है, तो अब इनमें से पिकआउट कर लेंगे 1, 1, 1 and 1, तो क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 7744। चलिए फटाफट बता दीजिए, हमें पता है आपने फाइंड कर लिया होगा, हम भी यहाँ पर आपको फटाफट दिखा देते हैं कि क्या आंसर होगा, तो आप उसे मैच कर लीजिए। 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8 और 11 × 8 = 88। तो स्क्वायर रूट ऑफ इस 88, यानी कि जब 88 को 2 times मल्टीप्लाई करेंगे 88 × 88 यू विल गेट 7744। तो आई होप आपको ये सारे पार्ट अच्छे से क्लियर हुए होंगे, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बच्चों वो तो हमने किया था अपने क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट टू फिफ्थ पार्ट, अब यहाँ पर हमें दिया है 6 to 10 पार्ट, यहाँ मैं सारे नहीं करूँगी, वहाँ पर मैंने आपको सेकेंड पार्ट प्रैक्टिस के लिए दिया था, यहाँ पर मैं आपको दूंगी आपका 6th, 8th and 10th, यानी मैं आपको बताऊंगी 7th and 9th पार्ट करके ठीक है, तो वो आप करिएगा अपना प्रैक्टिस, हम शुरू करते हैं अपना 7th पार्ट। तो 7th पार्ट में हमें क्या दिया गया 5, 9, 2, 9, तो हमें सबसे पहले फाइंड करने हैं इसके प्राइम फैक्टर्स, तो चलिए शुरू करते हैं और आप भी मेरे साथ साथ सॉल्व करिए। अब देखिए डेफिनेटली ये नंबर जो है वो हमारा 2 से डिविजिबल नहीं है, चलिए देखते हैं क्या ये 3 से डिविजिबल है, तो क्या है सम ऑफ द डिजिट्स फाइंड करना है, तो देखिए क्या हो जाएगा ये हमारा 9 + 2 = 11 + 9 = 25, 25, यानी ये 3 से भी डिविजिबल नहीं है, 5 से ये तो डेफिनेटली नहीं होगा। अब हम जाते हैं अपने 7 पर, तो क्या ये 7 से डिविजिबल है, देख लेते हैं, 7 से हम इसको डिवाइड कर लेंगे, तो 5 × 9 = 9, 7 × 8 = 56 राइट, ये आ गया, और ब्रिंग डाउन 7 × 4 = 28 राइट, ये आ गया, और देखिए 7 × 7 = 49, तो आ गया ना ये हमारा 7 से डिविजिबल, तो चलिए 7 से डिवाइड करते हैं, कितना आया हमारा 847 कोशेंट, जो कि हमने यहाँ पर लिख लिया। आप देखिए फिर से इसको देखते हैं क्या ये हमारा 2 से डिविजिबल है, डेफिनेटली नहीं है, 3 से नहीं है ठीक है, 5 से तो होगा ही नहीं, अब आ गया नेक्स्ट हमारा फिर से 7, तो देखिए 7 × 1 = ठीक है, पहली बार में ये चला गया 7 × 1 = और फिर हमारा बच्चा 7 × 2 = और फिर आ गया हमारा 7 × 1 = ठीक है, देखिए 7 दिखा देती हूँ आपको करके कैसे आया, ये देखिए 847 को हमने फर्दर 7 से डिवाइड किया, तो देखिए क्या हो जाएगा 7 × 1 = 7 राइट, 1 आया, 4 लिया, 7 × 2 = 14 और फिर आ गया 7, 7 × 1 = 7 ठीक है, तो हमारा हो गया 0। अब यहाँ पर आ गया 121, अब 121 हमें पता है 11 से ही जाता है, तो 11 आएगा, और फिर ये आपको प्रैक्टिस से आ जाता है कि किस नंबर से फटाफट आपको करना है ठीक है। अब हमारा आ गया ये प्राइम फैक्टर्स, जो कि हमारा गिवन नंबर थे 5929 के, अब फटाफट हम लिख लेते हैं सारे अपने प्राइम नंबर्स, तो चलिए लिख लेते हैं अपने प्राइम फैक्टर्स, 7 × 7 × 11 × 11। अब मैं यहाँ पर ही ये कट करके यहाँ पर लगा दे रही हूँ प्राइम फैक्टर, मतलब एक स्टेप मैंने स्किप कर दिया, और यहाँ पर भी मैंने लगा दिया स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट लगाने के बाद हमें क्या करना है पिक आउट फ्रॉम ईच पेयर ऑफ सेम प्राइम नंबर्स, पहले तो पेयर बना लिए फटाफट और उसमें से पिक आउट कर लिया 1 1, तो स्क्वायर रूट ऑफ हमारा 5929 हो जाएगा 7 × 11 यानी कि 77, यानी आप जब 77 को 2 times मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 5929, और हमारा 5929 का स्क्वायर रूट हो गया 77। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा, काफ़ी प्रैक्टिस कर चुके हैं, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर। चलिए बच्चों शुरू करते हैं अपना 9th पार्ट, तो 9th पार्ट में हमारे क्या है 529। अब हम फटाफट सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं प्राइम फैक्टर्स, तो ये मैं ना प्रैक्टिस से आ जाता है कि ये नंबर जो है वो जाएगा हमारे 23 से डायरेक्टली ठीक है, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 23 ही आ जाएगा, और फिर हम 23 लेंगे तो 1 चला जाएगा,
देख लीजिए, वैसे भी अगर आप जाते तो ये ना तो आपके इनिशियली 2 से डिविजिबल हैं, अगर आप इसको 3 भी लेते तो ये देखिए क्या हो जाता, ये भी नहीं होता, क्योंकि देखिए 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 9 कितना हो जाता हमारा 16, तो ये 3 से भी नहीं। तो कहीं ना कहीं मुझे ये प्रैक्टिस से पता चल चुका है कि 23 इंटू 23 ही होता है हमारा 529। और मैंने जैसा आपको बोला है कि कुछ नंबर्स जैसे आप 1 टू 20 तक के बाय हार्ट कर लीजिए सारे के स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, तो आपको कहीं ना कहीं बहुत ईजी हो जाता है कुछ छोटे नंबर्स के स्क्वायर रूट फाइंड करना। तो देखिए अब हम इसको लिख लेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 529, जो कि हमारे आ गए 23 into 23। अब फटाफट हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो हम अंदर लिख लेंगे स्क्वायर रूट के 23 into 23। अब पिक आउट फ्रॉम सेम पेयर वन प्राइम फैक्टर, तो क्या हो गया हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 529, ये आ गया हमारा 23। तो देखिए कितना आसान था, हमें फटाफट मिल गया अपना स्क्वायर रूट ऑफ 529। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखाए हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। जो प्रैक्टिस के लिए दिया उनको प्रैक्टिस जरूर करिएगा, और मुझे उम्मीद है कि आप इस पूरे के पूरे मेथड में हो जाएंगे एकदम श्योर। बच्चों आज हमने अपना फिनिश किया स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स की एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 2 to 4। ये सारे के सारे क्वेश्चंस मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको क्लियर हुए होंगे। जो सम्स मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिए वो आप जरूर करिएगा, और हम जल्द मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और आप सभी जानते हैं लर्न हाउ फ्री है बट बेस्ट है। थैंक यू।